वेलकम बैक कमांडर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एपिसोड में वर्ल्ड ऑफ टैंक्स इन हिंदी। तो आज हम देखने वाले हैं ML2 ऑन सरीन को। देखो कितना बढ़िया टैंक है, इसका सामने का आर्मर कितना स्लोप्ड है बढ़िया तरीके से एकदम बाउंस करने के लिए, और रिज लाइन पे हमारा गन डिप्रेशन यूज करके एनिमी को, दुश्मनों को अच्छी तरह से पनिश करने। तो इससे पहले गेम पूरी तरह स्टार्ट हो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। एटलीस्ट 10 तो लाइक कर ही दो, इतने सारे जब देखते ही हैं 10 लाइक तो बनता ही है। ओके, तो हमारा प्लेयर जो है एपिक सोनिको हाइपर क्या है ये, अजीब सा नाम है इसका। तो ये जा रहा है हमारा नाइन लाइन की तरफ, वहाँ पर मुझे पता है ये कहाँ जा रहा है एक्चुअली। वहाँ पर एक छोटा सा ना क्या बोलते पहाड़ी सी छोटी सी एकदम किनारे पर, वहाँ पर गन डिप्रेशन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है। और वहाँ पर ना उस पोजीशन से तुम जो काउंटर टैंक डिस्ट्रॉयर बैठे रहते हैं, तुम्हारा लास्ट की तरफ जो है जे की तरफ बैठते हैं, जो एकदम लास्ट जी 8 के आसपास, उनसे बचा जा सकता है। ये देखो यहाँ पर इस जगह पर आके, यहाँ पर आके गन डिप्रेशन यूज़ करेंगे ये अपना। ये 3 हैवी टैंक दिख ही रहे हैं, पहला शिकार है हमारा ASC, दूसरा M103 जिसका शॉट एक बाउंस हो गया, ये होना ही था, आप 60 डिग्री एंगल पे टैंक है तो स्पेशल पे बाउंस हो गया। आप वेट कर रहे हैं, हम लोग अपनी गन रीलोड होने का, 3 शॉट हमने ले लिए। इसको नर्फ कर दिया गया, मतलब कि आर्मर बफ करके इसका शेल्स को नर्फ कर दिया था, 4 की जगह 3 है इसमें। और ये रहा M103 का वीक पॉइंट, उसकी सीधा टर्क, और ये मार दिया और ये बैरल से बचाने की कोशिश कर रहा है बट नहीं हुआ। ओके, कॉन्करर के फ्रंट प्लेट पे सीधा डायरेक्ट हमला। अब ये वेट करेगा कि इसी गन रीलोड हो जाए। यहाँ पर एक ही आर्टिलरी है और लग रहा है दूसरी साइड पे हमारी फ्रेंडली टीम मैच को लूज़ कर रही है, क्योंकि हैवी टैंक मीडियम टैंक सब आगे बढ़ चुके हैं। अभी ISP का खेल ख़त्म, M103 को भी देखते हैं, कॉन्करर को देखते हैं। कॉन्करर ओके, कॉन्करर को पहले ही 705 में एक्जेक्ट 705 में उड़ा दिया। चलो कोई बात, ये तीनों हैवी टैंक उस तरफ जा रहे हैं, और इसको बोलते हैं मैप अवेयरनेस। ML को मैप अवेयरनेस का पूरा नॉलेज है, उसने देखा कि वहाँ पर उसकी टीम दूसरी तरफ टीम हार रही है और वो लोग तुम्हारा बेस को कैप्चर कर लेंगे बड़ी तेज़ी से, वो लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब वहाँ पर सिर्फ 3 टैंक बचे हैं। और जे पैंथर भी तुम्हारा मैप पे देख सकते हो, जे पैंथर तुम्हारा उस तरफ जा रहा है सपोर्ट करने के लिए। ओके, थोड़ा सा लेट हुआ बट फिर भी सिचुएशन अब वो हाथ से निकलती हुई दिख रही है। दोनों को जो मीडियम टैंक पे जो लड़ रहे थे उस तरफ, ये दोनों ख़त्म हो गए हैं, और ये IS-3 बचा हुआ है। वैसे IS-3 ऑलमोस्ट फुल हेल्थ है, हाँ IS-3 अब हाफ आधे हद पर पहुँच गए। और ये यहाँ पर एक छोटा सा टिड्डा आया हुआ है बार खाने के लिए, ये एक पहला पड़ा और ये सेकंड शॉट में काम ख़त्म। ओके, ये थोड़ा सा जो फ्रेम्स ड्रॉप हो गए, पता नहीं क्यों हुआ, समझ नहीं आ रहा, कई बार हो जाता है सिस्टम, शायद लग रहा है गर्मी की वजह से भी गर्म हो रहा है, ठंडा नहीं हो पा रहा, लेकिन नॉर्मल आ गया, नो प्रॉब्लम, कभी कभार होता रहता है इंडियन गर्मी में, इंसानों की हालत बुरी जा रही है तो मशीन। ओके, स्कॉर्पियन है वहाँ पर एक छोटा सा, ये देख रहा है किसको शॉट देगा किसको नहीं देगा, कोई सामने आ रहा है कि नहीं। सुपर हेल्थ कट बड़ी तेज़ी से उस तरफ पड़ रहा है, जे पैंथर की तरफ लगता है यही शिकार होने वाला है, ये हाँ लग रहा है यही है, ये रहा फर्स्ट शॉट,
सेकंड शॉट खत्म, गेम ओवर। और ये दोबारा से रीलोड पर, क्योंकि अभी टाइम है, जे पैंथर को बचाया नहीं जा सकता था। PS5 है यहाँ पर इसके साथ, PS5 बहुत ही हैवी आर्मर है इसका फ्रंट की तरफ। अब कहाँ ये स्कॉर्पियन, छोटा वाला स्कॉर्पियन कहाँ गया? स्कॉर्पियन जी बड़ा है, ये छोटा स्कॉर्पियन है। अमेरिकी स्कॉर्पियन छोटा है, जर्मन स्कॉर्पियन बड़ा है। ओह माय गॉड। ओके ओके, ये रहा छोटा स्कॉर्पियन पीछे। लगता है आपने TS5 को बचाना पड़ेगा, देखते हैं बचा सकते हैं। ये स्कॉर्पियन ने नहीं मारा इसको, उसको मेरे लगा ऑब्जेक्ट ने मारा है शायद, IS-3 ने। या 53 TP एंड ऑब्जेक्ट दोनों पीछे थे, इसको यहीं पर ही फंसा लेते हैं। या आई एस, शायद वो ऑब्जेक्ट 252 को लग गया है, चला गायब हो गया था, बट शायद मोस्ट वाली लग गया। अब ये यहाँ से थोड़ा सा बचते बचाते हुए निकलने की कोशिश करेंगे, वाइल रीलोड हो रहा है हमारा टैंक। और लग रहा उस तरफ जो दो टैंक, तीन टैंक गए थे, वो हैवी टैंक, वो भी तुम्हारे एक तरह से लड़ाई हारते हुए लग रहे हैं। बहुत ही मुश्किल लड़ाई होने वाली है। I-56 है, फायर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको, जी के फायर रिक्वेस्ट कर रहा है। GK-4502B ऑब्जेक्ट 907-705 में मार दिया उसको। अब भाई के भी कहीं गायब हो गया, स्कॉर्पियन भी उधर है एक और। अरे 53 TP क्या कर रहे हो, ये शॉट मिस कैसे हो गया? ओह माय गॉड, वन जाते भागते हुए पिछवाड़े में दे दिया एक और। यस, भागते भागते उसके पिछवाड़े में एक दे दिया गया है 53 TP के। पोलिश TR-8 टैंक, अब इस ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ये पूरी तरह है ये ऑब्जेक्ट जो रियल लाइफ में थे नहीं, बट रशिया ने बनाए हैं। ये रहा एक छुप के बैठा हुआ चट्टान के पीछे, अपने आप को बचाते हुए क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। यस, कुछ नहीं कर सकता। अब ये 53 TP को ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पर VK-4502B अकेला पड़ गया है। मैं ऑब्जेक्ट 705 शहीद हो गया। कहाँ गया होगा ये 53 TP, कहाँ छुप के बैठा होगा? और ये क्या हमारे इसकी तरफ मुंह करके भी बैठा होगा? ये रीलोड हो रहा है फिर से, तो ये 3 shell बेटर होते हैं 2 से। अब आगे देखते कहाँ गया, मेरे ख्याल से कहीं भाग गया ये 53 TP। अब ये जा रहा है VK की हेल्प करने के लिए, 705 बोल रहा है ML प्लीज हेल्प कर भाई, टीम को कैरी कर अपने मजबूत कंधों पर। और ML आगे बढ़ते हुए बड़ी तेजी से करीब 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, देखते हैं यहाँ पर किसको कोई मिलता है कि नहीं। VK भी पीछे छुप रहा है, VK जो है तुम्हारा साइड स्क्रैपिंग के लिए बहुत बढ़िया टैंक है। ओह माय गॉड, स्कॉर्पियन ने VK को पकड़ लिया है। मुझे नहीं लग रहा कि VK बच पाएगा स्कॉर्पियन से। और आर्टिलरी दिख गई है, आर्टिलरी ख़त्म कर देते हैं पहले, नहीं तो ये बहुत परेशान करेगी बाद में। Oh.
आवाज नहीं थी इसकी, कमांडर की आवाज। बिल्कुल तैयार, बोले छोड़ना नहीं है किसी को भी। ओके स्कॉर्पियन एंड आई के वी बचे हैं और साथ में 53 टीपी भी बचा हुआ है हमारा स्वीडिश टैंक। अब स्कॉर्पियन को ढूंढना पड़ेगा, स्कॉर्पियन है कहाँ पर, पीछे से जा रहा है, फ्लैंकिंग पोजीशन, ये रहा सामने। बेचारा स्कॉर्पियन टकरा गया है अभी टाइम से। एक शॉट में ही काम खत्म। अभी आई के वी को ढूंढना पड़ेगा, बट ये 53 टीपी गया किधर, और पीछे से आ गया 53 टीपी, ये था कहाँ पर। ओ ये शॉट अंदर नहीं गया, क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा रशियन है भाई, भूल ही गए थे हम तो, रशियन नहीं सॉरी रशियन आरएनजी, इतने आराम से नहीं जीतने देगी स्वीडिश को। ट्रैक पे लगाओ ट्रैक, तुम्हारा डैमेज भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। 50-50 भी यहाँ पर कहीं पर छुपा हुआ होगा। ये रीलोड हो चुका है हमारा एमएल। चल भाई एमएल अपना जादू दिखा, बता इसको कि कैसे लड़ते हैं, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है लड़ाई। कहाँ भाई 53 की, फिर से गलत जगह देख रहा था, फिर से गलत जगह, मतलब क्या है प्रॉब्लम क्या। अबे एमएल वहीं से आएगा, कहाँ देख रहा था ये, ऐसा ही ना फाइट जीती जाती है। वो कहाँ आने वाला है, कहाँ पर तुम्हारा गन कहाँ घुमाई हुई है इसमें ना। आप देखते हैं आई के वी, मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि हमारा प्लेयर हमारा एमएल उसको झांसा देने के चक्कर में। बिल्कुल तैयार खड़े हैं हमारे एमएल, कहाँ से आएगा वो मोल से लग रहा है, पता क्या लग रहा है, आई के वी जो है ना हमारे बेस की तरफ निकल गया होगा कैप करने के चक्कर में, कि वहाँ जाके कैप करूँगा तो इसको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कैप पहले शुरू हो चुका है, अब वो वापस आ रहा होगा। दौड़ता हुआ, अरे रखो मेरा बेस, कोई हमारे बेस को बचाओ, मैं अकेला क्या क्या करूँ, भाग के चला गया वहाँ पर एनिमी बेस पे कैप करने के लिए। क्या वो आ पाएगा टाइम पे, वो आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा गया कहाँ, वो क्या सोच रहा है, लगता है ड्रॉ करने के चक्कर में है। 9 पर है, 9 किल्स पर, आप देखते हैं 10वां किल मिल सकता है कि नहीं। 30 सेकंड खत्म, 30 सेकंड से भी कम, 25 सेकंड बचे हुए हैं, आएगा कि नहीं आएगा। चलो भाई बताओ भाई, आइए भी आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कमेंट में लिखो। मुझे लग रहा है लास्ट मोमेंट पर आएगा और बच जाएगा, है कहाँ से आएगा, चलो देखते कहाँ से आएगा वो, आएगा तो ज़रूर वो, कहाँ से आएगा, राइट साइड से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा या सामने से आएगा। ओए आ गया, और हमने ये बेस कैप्चर कर लिया, ओ माय गॉड, और 10 किल मिल गई है हमें। अब एंड प्लेट्स देखनी पड़ेगी, एंड प्लेट भी देखते हैं, पहले देखो हमारा टैंक क्या बढ़िया, क्या बाउंस देगा इस पे टर्ट पे, कैसे बाउंस का निशान पड़ा हुआ है। और भाई जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, उसको शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ, ताकि हम और ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। और ये रही एंड प्लेट्स, इसमें देखो स्वीडन का फर्स्ट मार्क है, एस टैंकर लूजर ड्यूलिस्ट फायर परफेक्ट शेल प्रूफ पूल्स मेडल 10 को मारने के लिए लास्ट मोमेंट पे, जो जीतने के 5 सेकंड के अंदर तुमने अगर किसी को मारा है तो वो किल तुम्हें मिल जाता है। तो वही है हाई कैलिबर और इन्वेडर, यस बेस को कैप करने के लिए पूरी तरीके से टॉप गन, बहुत ही बढ़िया। आप देख रहे थे यहाँ पर डैमेज 8000 डैमेज, 1700 समथिंग 1773 तुम्हारा एक्सपी,
और यहाँ बाउंस कितना गया, करीब करीब 2500 बाउंस भी किया है। बहुत बढ़िया, अब ट्रेड्स देखते हैं। बहुत बढ़िया क्योंकि स्पेशल अमाउंट मेरे ख्याल से ज़्यादा फायर नहीं किया। तो 43,000 हमें क्रेडिट्स मिले हैं विद प्रीमियम अकाउंट, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस कैसा लगा कमेंट्स में लिखना मत भूलना। एंड हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन टुमारो।